और बीते 5 सालों में ये नान का जिन लगातार निकलता है, लेकिन इसका समाधान क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल जांजगीर चांपा के सत्ती इलाके में सुआडेरा गांव के पास एक तेज रफ्तार बस पुल से नीचे गिर गई। लहंगा और सरवानी गांव से मतदान कराकर लौट रहे 30 मतदान कर्मी और पुलिस जवान बस में सवार थे। हादसे में ड्राइवर समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। करीब 5 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं। सत्ती में शुरुआती इलाज के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। एक घायल के पैर में फ्रैक्चर और कमर सिर में गंभीर चोट होने की वजह से बिलासपुर रेफर किया गया है। हादसे की सूचना के बाद कलेक्टर जेपी पाठक और एसपी पारुल माथुर ने सत्ती अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। जानकारी के मुताबिक बस में लाई जा रही मतपेटियां सुरक्षित हैं, जिसे सख्ती एसडीएम ने प्रशासनिक सुरक्षा में रखवाया। छह मतदान दलों को लेकर बस वापस आ रही थी। सख्ती ने मतदान सामग्री जमा कर दी थी। उसी बीच में स्वाडेरा गांव के पास महिला बस और एक बस की जिनसे गठित हो गई थी और उसमें करीब जितने भी लोग थे उनको इंजरी आई है। जितने भी घायल थे उनको सख्ती में फर्स्ट एड दे दिया गया और जो मेडिकल है उनको जांचों के लिए रवाना करके रखा गया। मतदान सामग्री थी जो एसडीएफ के द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है, सभी पूरी तरह से सुरक्षित।